किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, आज बात करेंगे पोटाश की कमी के बारे में। हमारे कुछ किसान भाइयों का मानना है गन्ने की फसल में पोटाश देना या ना देना एक वैकल्पिक है। चाहे तो दे भी सकते हैं और मन चाह तो नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन भाइयों, मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि पोटाश मुख्य पोषक तत्वों में से एक है और अगर इसे नहीं देंगे तो हमारी फसल में इसकी कमी के लक्षण जरूर नज़र आएंगे। बहुत से ऐसे खेत होते हैं जिनमें रेतीली मिट्टी होती है, उसमें पोटाश की कमी ज़रूर पाई जाएगी। और जिन खेतों में पोटाश नहीं दिया गया है उनमें भी फसल में पोटाश की कमी के लक्षण पाए जाएंगे। अधिक पानी और अत्यधिक सूखे की स्थिति में भी पौधे में पोटाश की कमी के लक्षण आएंगे। किसान भाइयों, इसकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर नज़र आते हैं, नई पत्तियों पर ये नज़र नहीं आएंगे। पोटाश की कमी में पत्ती के दोनों किनारे जलते हुए से नज़र आएंगे। कभी इसमें बीच से भी पत्ती लाल फूकी हुई सी नज़र आने लगती है। पत्तियों की नोक भी आगे से जल जाती है और बहुत बार अत्यधिक कमी होने पर पत्ती पूर्ण रूप से सूख जाती है। पोटाश की कमी पूरी करने के लिए पोटाश जरूर डालें, NPK 0050 लगाएं और स्प्रे के रूप में लगाएं। तो साथियों, खेत में सही समय पर पोटाश की ज़रूरत पूरी करें और गन्ने से अधिक टिलरिंग और एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। साथियों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी होगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।